NDMCTAR कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूजा उज्जैनवाल, कोषाध्यक्ष किशन व अन्य समिति के सदस्य आज दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत से मिले और NDMCTAR कर्मचारियों की मांगों पर कहां तक कार्रवाई उसकी जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया ने समिति की अध्यक्ष पूजा उज्जैन व किशन आदि से बात की। उज्जैनवाल जी, आप आज पहुंचे हैं सफाई कर्मचारी आयोग, क्या कुछ कहना होगा? मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे TMR भाई सभी परेशान हैं और जितनी दुर्गति हमारे TMR भाइयों की हो रखी है और किसी की नहीं हो रखी। NDMC में रहने के बावजूद ये हद से ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा इनकी दिक्कतें परेशानी है और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आज यहाँ किससे मिलने आए और किसको लेटर दिया? हम संजय गहलोत सफाई आयोग में आए हैं, संजय गहलोत जी के पास। मेरा नाम श्री किशन है, मैं TMR संघर्ष समिति में कोषाध्यक्ष के पद पे नियुक्त हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे TMR भाई जितने भी परेशान हो रहे उनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता और मैं ये चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी परमानेंट हो और इसलिए हम ये सफाई आयोग में आए थे संजय गहलोत जी से मिलने कि वो हमारी सहायता करें और हम उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने NDMC में बातचीत करी है, वो 15 दिन के अंदर उसका रिस्पॉन्स आपको हमें देंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम सन्नी है, मैं NDMC वर्कर TMR हूँ और आज TMR को लेकर हम यहाँ पर आए हैं सफाई आयोग में। तो हमारा मानना ये है कि अभी हमने इनसे बातचीत करी है, बात करके नीचे आए हैं तो सनी जी गलोजी ने कहा है हमारे को कि हमने लेटर दिया है क्योंकि हमको जाना था कि स्टेटस क्या चल रहा है इस टाइम पे NDMC TMR का, क्योंकि काफ़ी लोग हैं TMR के अंदर जाना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, हमारा काम होएगा या नहीं होगा, आगे मिस कॉल खुलेगी नहीं खुलेगी, हमारा वेतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वेतन बढ़ने से बहुत दूर की बात है, वेतन टाइम पर भी नहीं आ रहा उनका। और दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने कहा है कि हमने लेटर DOG भेजा है और वहाँ से 15 दिन में जवाब आ जाएगा, तब TMR वर्कर को मालूम पड़ेगा कि स्टेटस क्या चल रहा है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.